हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन ऊतक पाया जाता है, लेकिन वाहिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है तथा जो अनावर्त बीजी होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी नेक्ड सीड्स भी कहते हैं। इनको नेक्ड सीड्स क्यों कहते हैं, हमने ये पढ़ा था, क्योंकि इनमें बीज तो बनते हैं लेकिन बीज के बाहर बीजाणुकाएं नहीं पाया जाता, यानी इनके बाहर ओव्यूल नहीं पाया जाता है, बीज के बाहर एक आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम नग्न बीज कहते हैं। यानी बीज तो बन गया लेकिन इसके बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसको नग्न बीज कहते हैं। इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। इनमें श्वसन ऊतक पाए जाते हैं किंतु वाहिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इसमें बीजाणुद्भिद तथा युग्मोद्भिद पीढ़ियां पाई जाती है। तो इसमें जो युग्मोद्भिद पीढ़ी होती है वो कम समय के लिए विकसित होती है तथा जो मुख्य पीढ़ी होती है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। इनमें जो नर युग्मक होते हैं उनमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, मादा युग्मक होते हैं उसमें महाबीजाणुओं का निर्माण होता है तथा इनमें निषेचन होता है, निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है तथा युग्मनज बनते ही निक्षिप्त तांड का निर्माण हो जाता है तथा नई पीढ़ी का विकास हो जाता है। तो हमने टेंडोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। साइकस, गिंगो बायलोबा तथा सीकुआ नामक जो पादप होते हैं उनका उपयोग हम किस लिए करते हैं, सजावट में करते हैं, बगीचों में इनको पौधों को लगाया जाता है, घरों में इनको लगाया जाता है तथा जो हमने पढ़ा था जूनिपेरस होता है, जूनिपेरस नामक जो अनावृत बीजी पादप होता है उससे हम पेंसिल बनाते हैं। इनका उपयोग हम औषधि के रूप में भी किया जाता है। कैसे औषधि के रूप में किया जाता है, जो इफिड्रा होता है उससे इफिड्रिन नामक जो औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग हम सर्दी जुकाम खांसी में करते हैं तथा एक टैक्सोल नामक छाल से हम क्या करते हैं, इससे हम कैंसर का उपयोग करते हैं तथा इससे कैंसर का उपयोग होता है। साइकस जो इसका सदस्य है अनावृत बीजी पादपों का, इससे साग यानी साबुन दाना बनाया जाता है। इसका अनावृत बीजों का उपयोग हम औषधि के रूप में, सजावट के रूप में तथा पेंसिल बनाने, जूनिपेरस जो हो गया पेंसिल बनाने में, साबुदाने बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट जो है आवर्त बीजी। हमने पढ़ा था कि पादपों को 5 समूह में बांटा है, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। आज हम आवर्त बीजी के बारे में पढ़ेंगे तथा फिर हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो वनस्पति जगत का लास्ट चैप्टर है आवर्त बीजी पादप। आवर्त बीजी पादपों को हम एंजियोस्पर्मी प्लांट्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्मी प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ये आवर्त बीजी पादप होते हैं यानी जो एंजियोस्पर्मी पादप होते हैं ये सबसे विकसित प्रकार के पौधे होते हैं। इनका जो शरीर होता है जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। इनमें जो जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं यानी जो श्वसन ऊतक पाए जाते हैं वो विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें सारी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि जाइलम में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं, यानी इनमें जो श्वसन ऊतक पाया जाता है। श्वसन ऊतक का कार्य हमने पढ़ा था कि जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो इनमें श्वसन ऊतक जो होते हैं विकसित प्रकार के होते हैं। इसमें बीज भी बनता है, फल भी बनता है तथा बीज के बाहर बीजाणुकाय भी पाया जाता है। तो हम इसके विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्मी पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीज के बाहर बीज आवरण पाया जाता है, बीज तथा फल का निर्माण होता है इनमें, दोहरा निषेचन पाया जाता है। एंजियोस्पर्मी पादपों का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। अब हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है।
इनमें समन ऊतक पाए जाते हैं। इसमें निषेचन निषेचन के लिए फल जैसी संरचना बनती है, यानी कि फूल पुष्प जैसी संरचना पाई जाती है, पुष्प में निषेचन होता है। ये जो आवर्तबीजी पौधे जो होते हैं, ये जो ग्रुप होता है वो जो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ग्रुप होता है। तो ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ग्रुप है, समूह है। एंजियोस्पर्मी पादप जो होता है, इसका सबसे छोटा पौधा है वुल्फिया। सबसे छोटा पादप गुल्फिया तथा सबसे ऊंचा पादप जो होता है वो यूकेलिप्टिस होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में सफेदा कहते हैं। इसमें पौधे जो इसमें जो बीज होते हैं वो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों प्रकार के होते हैं। बीज जो होता है एक बीजपत्री, जिसे मोनोकोट्स कहते हैं, तथा द्विबीजपत्री जिसे डाइकोट्स कहते हैं। जो एक बीजपत्री होता है, यानी एक बीजपत्री या दो बीजपत्री कैसे कहते हैं, जैसे चना हो गया, चने को जब हम दो भाग चने के बीज को हम डिवाइड करते हैं तो दो बीजपत्र हमें साथ दिखाई देते हैं, तो ये द्विबीजपत्री पादप हो गया। एक बीजपत्री में जिसमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है, ऐसे पादपों को हम एक बीजपत्री कहते हैं। तो जो एक बीजपत्री पादप होते हैं एक बीजपत्री पादप में पादप की पत्तियों में समांतर शिलान्यास पाया जाता है। और जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें जालिका रूपी शिलान्यास पाया जाता है, यानी कि जो ये लीव्स है इसमें एक में तो समांतर शिलान्यास पाया जाता है, और जो दूसरी हो गई जो द्विबीजपत्री पादप हो गया उसमें सिराएं सिराओं की सिरिकाएं आदि पाई जाती है, यानी जालिका रूपी शिलान्यास इनमें पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में। तो दो द्विबीजपत्री पादपों में जालिका रूपी शिलान्यास पाया जाता है।
नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक पुंगु कहलाते हैं। ये पराग नली पर होते हैं। पराग नली के बाहर पराग कण पाए जाते हैं। पराग कणों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नरयुग्मक पुंगु कहलाते हैं। तो क्या होता है कि जो पुष्प होता है उसमें एक पराग नली पाई जाती है, यानी कि एक पतली तंतु रूपी संरचनाएं पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पराग नली। पराग नली के बाहर पराग कण पाए जाते हैं, यानी कि पराग नली के ऊपर पराग कण पाए जाते हैं। तो बाहर पराग कण पाए जाते हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तथा पराग कण का निर्माण हो जाता है। सॉरी, पराग कण नहीं, पुंगु का निर्माण हो जाता है। जो नर जो युग्मक होते हैं उसमें पुंगु का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है, यानी अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो पराग कण होते हैं इसमें पुंगु का निर्माण हो जाता है। इनमें क्या होता है, जो पुष्प होते हैं फ्लोवर होता है, इसमें निषेचन पाया जाता है। निषेचन में क्या होता है, एक भूतंतु यानी पतली तंतु जैसे संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं पराग नली। पराग नली के ऊपर पराग कण पाए जाते हैं। पराग कणों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी जो कोशिका होती है उसका आधा होता है, तथा इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पुंगुओं का निर्माण हो जाता है। तथा स्त्री केशर में का निचला फूला हुआ भाग भाग अंडक कहलाता है। इससे वर्तिकाग्र पतली तंतु जैसी संरचना निकलती है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और इससे वर्तिकाग्र निकलती है और इसके ऊपर वाला भाग वर्तिका कहलाता है। यानी इस टाइप की संरचना होती है, ये होता है अंडाशय। अंडाशय से इस तरह से वर्तिकाग्र निकलती है और ये जो भाग होता है वो वर्तिका कहलाता है। ये भाग जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो वर्तिका, बीच वाला भाग है वो वर्तिकाग्र, और ये जो संरचना होती है ये पुष्प में ही पाई जाती है, यानी पराग नली जो पाई जाती है जिसमें पूतंतु का निर्माण होता है, पराग कण पाए जाते हैं वो भी फूल में ही पाए जाते हैं, यानी जो निषेचन होता है एंजियोस्पर्मी पादपों में वो फूल में पाया जाता है, और ये जो होता है अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है, तथा इसमें क्या होता है, मां बीजाणु कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं फट जाती है, चार अर्धसूत्री विभाजन के दौरान चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे, इसे बाल वर्तिका तथा वर्तिकाग्र पाई जाती है। अंडाशय में बीज का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान।
बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बीजाणु का निर्माण होता है। तो जो पराग तंतु होते हैं जिसमें पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण में पुंगड़ू का निर्माण हो जाता है। ये क्या होता है जिसमें हवा द्वारा या किसी के भी द्वारा जो ये पराग कण होते हैं वो उड़कर या तैर कर मातृ कोशिकाओं पे यानी वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र से वर्तिकाग्र में जाते हैं, वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंच जाते हैं तथा इसमें निषेचन हो जाता है। तो इसमें निषेचन किस प्रकार से होता है, इसमें दो नर युग्मक होते हैं जो प्रवेश करते हैं वर्तिका से वर्तिकाग्र में, यानी दो नर युग्मक जो होते हैं वर्तिका से वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं तथा अंडाशय में जाते हैं। अंडक जैसी संरचना में जाने के बाद में इनमें ये जो दो नर युग्मक होते हैं वो फूट जाते हैं तथा जो अंडाणु होते हैं उससे निषेचन कर लेते हैं। तो ये जो बीजाणु का निर्माण हो गया इनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। इसमें सात कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा आठ केंद्रक पाए जाते हैं। दो ध्रुवीय कोशिका होती है जो ध्रुव की तरफ रहती है। एक होती है अंड कोशिका। दो होती है ध्रुवीय कोशिका जो कि ध्रुव की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ रहती है। दो ध्रुवीय कोशिका होती है। दो सहायक कोशिका होती है यानी कि अंडक के बाहर आसपास में दो सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती है। तथा तीन एंटीपोडल कोशिकाएं पाई जाती है। तीन एंटीपोडल सेल्स यानी तीन कोशिकाएं पाई जाती है यानी कि आठ कोशिकाएं तथा सात केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें आठ कोशिका सात केंद्रक पाए जाते हैं, एक अंड कोशिका होती है, दो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, दो सहायक कोशिकाएं होती है और तीन एंटीपोडल कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो पुंगड़ु होते हैं जो नर युग्मक द्वारा जो पुंगड़ु का निर्माण हुआ है जो पूतंतु के ऊपर पाए जाते हैं वो पुंगड़ु हवा या हवायु के द्वारा या पानी के द्वारा किसी के भी द्वारा मादा कोशिकाओं के अंडक यानी वर्तिका पर गिर जाते हैं, वर्तिका से वर्तिकाग्र में जाते हैं, वर्तिकाग्र में होते हुए अंडाशय में प्रवेश कर लेते हैं। यानी हमने पढ़ा कि वर्तिकाग्र पे जाते हैं, वर्तिकाग्र से अंडाशय में प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ पे बीजाणु पाया जाता है। बीजाणु कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंड कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। दो नर युग्मक इसमें प्रवेश करते हैं। एक नर युग्मक से क्या होता है, एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक मिलकर निषेचन करके युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। युग्मनज से निषेचन का निर्माण हो जाता है। तो एक का तो ये काम हो गया। और जो दूसरा जो नर युग्मक होता है वो क्या काम करता है, द्वितीय जो केंद्रक होता है द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है तथा तीन केंद्रक इसमें मिक्स हो जाते हैं। तीन केंद्रक बना के यह है भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है। भ्रूण कोश का क्या कार्य होता है, युग्मनज को यानी जो भ्रूण बना है उसको पोषण प्रदान करना। तो इसमें दो नर युग्मक प्रवेश कर गए, एक से युग्मनज बन गया और दूसरे से क्या बन गया, भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। इस प्रकार का निषेचन इसमें पाया जाता है।